हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट गेम के बारे में और इसके प्री रजिस्ट्रेशन इंडिया में क्यों नहीं हो रहे। इंडिया भी नहीं गाइस, इसके अलावा दो और कंट्री है इंडिया के अलावा जिनमें पबजी न्यू स्टेट जो कि गेम है वो लॉन्च होने वाली नहीं है। और हमारी कंट्री में तो भाई लगे पड़े है, पहले तो पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आया और अभी ये गेम पबजी न्यू स्टेट वो भी नहीं आ रही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस देखिए, ये पर प्री रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में चल क्यों नहीं रहे और इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कौन कौन से और भी कंट्रीज है जिनमें ये गेम आने वाली नहीं है। तो देखिए, आने वाली नहीं है ये कह नहीं सकते क्योंकि अभी जो सीन हुआ है वो सीन इस तरह से हुआ है कि जो इंडिया में पबजी बैन होने की वजह से अभी वो तो क्राफ्टन का है, मतलब टेंशन उसमें था, उन दोनों का झोल हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं, मतलब वो गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, वो सीन आपको पता है। तो देखिए, वहां पे टेंशन था, इसमें टेंशन भी नहीं है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने शायद से जो कि गेम को परमिशन दी नहीं है, जो कि न्यू स्टेट करके जो गेम आई है इसे परमिशन दी नहीं है, जिसी के चलते ये लॉन्च नहीं हुआ और इसका जो कि प्रूफ है, मतलब लॉन्च होने वाली नहीं, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, पबजी न्यू स्टेट करके जो कि ऑफिशियल इसकी पेज बनाई है और .com करके, याद रखना गाइस ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है ये गेम, सिर्फ 3 कंट्री ऐसी है जिनमें ये गेम लॉन्च हुई नहीं है, इसलिए इसका जो कि डोमेन है वो देख सकते हैं .com है, .com डोमेन है, वर्ल्ड वाइड यूज के लिए मतलब यूज करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे न्यू स्टेट गेम जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और कोई अगर बंदा आपको फेक डाउनलोड की लिंक देता है या कुछ भी देता है तो मत लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑफिशियल इसके सोशल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ऊपर साइड में आप देख सकते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे मैं दे दूंगा। साथ ही देखिए, आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ट्रेलर देखना है तो मैंने अपलोड कर दिया है, साथ ही ऑफिशियल इसका यूट्यूब चैनल भी है, चाहे तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो ये वाला ट्रेलर, साथ ही फॉलोअर्स मतलब जो कि सोशल्स है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो पूरी वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके प्री रजिस्ट्रेशन पर आपको एक गाड़ी की स्किन मिल रही है, मतलब कार की स्किन है ये, और ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइड डार्सी है, अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ऐप स्टोर के लिए ये गेम अभी भी लॉन्च हुई नहीं है, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड यूजर कर सकते हो, और ट्रेलर यहाँ पे नीचे साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे इसके सोशल मिल रहे, तो यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेन बात देख सकते हैं जो कि क्राफ्टन है, जहाँ थोड़ा देखे टेंशन का हाथ नहीं है इसमें और क्राफ्टन गेम लॉन्च कर रही है, तो चांसेस है कि गेम आ जाए, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहे स्टार्ट हमारे, तो उसमें भी लगता है कि जो कि मतलब क्राफ्टन वाले को यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी ये वाला गेम लाने के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पबजी का ही एक मतलब पबजी इसमें इन्वॉल्व है ना, मतलब पबजी से क्राफ्टन और ये सब कुछ एक ही कंपनी गेम लॉन्च कर रही है, तो उनको फिर से परमिशन लेनी पड़ रही है। अब ये सिलसिला कैसे चलेगा और कब तक चलेगा नहीं पता, लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो कि प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल आप इंडिया से हो तो नहीं कर सकते, वही सीन है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो, और जो कि मैप के कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, यहाँ पे अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स जो कि आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको पता चल चुका होगा कितना रियलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे गेम बनाई है, खास करके काफी मतलब सही होने वाला है। और जो कि मैप है इसका यहाँ पे देख सकते हैं हम 8x8 किलोमीटर जो कि इरेंगल हमारा है वही होने वाला है, और इसके ऑफिशियल लिंक्स यहाँ पे देखने मिलेंगे, और खास करके लो एंड डिवाइस की बैंड पूरी तरह से बजेगी क्योंकि 2GB के ऊपर आपको यहाँ पे रैम चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं, क्योंकि और यहाँ पे एंड्रॉइड 6 और हायर यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें पहले ही बता दिया है कि भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, आपको एंड्रॉइड 6 या ऊपर का ही होना चाहिए, और रैम तो भाई 2GB की रैम तो ठीक से चलती ही नहीं पबजी, और ये तो फ्यूचरिस्टिक बनाई है तो काफी मतलब क्या खाकी चलेगी 2GB के रैम वाले मोबाइल में, तो कम से कम 4-6-8GB का मोबाइल में रैम होना मतलब क्या हो कंपलसरी हो चुका है इस तरह से कह सकते हो आप। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर्ड बाय यहाँ पे क्राफ्टन INC, और यहाँ पे सब कुछ क्राफ्टन का है, तब भी यहाँ पे डेवलपर भी देख सकते हैं
क्योंकि क्राफ्ट ने तब भी यहाँ पे गेम लॉन्च की नहीं है, और क्यों की नहीं है, और कौन कौन से जो कि कंट्रीज है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि press.pubg.com करके एक है वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसका जो कि अबाउट है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे साइड में गाइज जो कि मैं बता रहा था कंट्रीज कौन सी कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड प्री रजिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड चाइना, इंडिया और वियतनाम, और इन सभी कंट्री अगर आप देखोगे तो चाइना में पबजी बैन है, इंडिया में पबजी बैन है, वियतनाम का भी पबजी बैन है, और इनका चाइना और वियतनाम का तो भाई अपना अपना वर्जन है, लेकिन हमारा तो अपना वर्जन भी नहीं है यार, तो हम खेलें कहां से, ठीक है। तो हो सकता है कि चाइना वियतनाम और इनको ले जैसे पैसिफिक वर्जन बनाए, तो पबजी न्यू स्टेट का भी एक स्पेशली कंट्री के लिए नया वर्जन आ सकता है, लेकिन सबसे पहले भाई वो तो बाहर के देश वाली हो गई, हम क्या करेंगे, हम इंडियंस कहां पे गेम खेलेंगे, मतलब पहले तो ये पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च नहीं कर रहे, उसके बाद यहाँ पे जो नई गेम आई इसे भी यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं किया, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मतलब नहीं हो सकता। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे, और ऑफिशियली यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइस, तो यही बताना था, और ऑफिशियली मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीनशॉट कि क्या कुछ मामला यहाँ पे होने वाला है। तो फिलहाल प्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई भी यूट्यूबर आपको कहेगा कि एक दो वीक में भाई मतलब अपने सर्वर पे भी गेम आने वाले, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली आप चेकआउट कर सकते हो कि इन्होंने पहले से ही इंडिया सर्वर में डाला ही नहीं है गेम, तो प्री रजिस्ट्रेशन आएगा कहां से। तो जब भी आएगा तो देखिए आएगा नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, गेम डेफिनेटली आ सकते हैं जब गवर्नमेंट परमिशन दे पबजी मोबाइल इंडिया को, या तो इंडिया नहीं तो किसी और नाम से आएगी गेम। अब और नाम से इन्होंने बनाई तो ठीक, लेकिन वो भी नहीं आई यार, ये तो नई वाली गेम है, पूरी तरह से एक नई एप्लीकेशन है, नया अकाउंट बनेगा इसमें, कोई पुराना अकाउंट हमारा ट्रांसफर भी होने वाला नहीं है, तब भी परमिशन नहीं मिली। तो देख सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे 29 मार्च करके एक नई डेट आ रही है सामने, देखते हैं भाई मार्च मंथ में कुछ तो कुछ होने वाला है, पबजी मोबाइल इंडिया आएगा या कुछ नए नाम से आएगा, इस तरह का यहाँ पे चल रहा है मार्च मंथ, यहाँ पे देखने लायक हो सकता है। ऑफिशियल न्यूज थी इसलिए मैंने ये कवर की, और वैसे तो मैं कवर करता नहीं, आपको पता होगा मैंने जो कि इंडिया में आएगा हर रोज वीडियो बन रहे बहुत सारे, मैं मतलब न्यूज कवर करना वो छोड़ दिया हूं, तो अभी मैं जो भी ऑफिशियल कोई आता है तो ही न्यूज कवर करूंगा। तो मैं बस ये नया अपना गेम आया था तो बताने के लिए वीडियो बनाइए, बस यही बताना था, और इंडिया में गेम फिलहाल अभी तो नहीं आ रही है, देखते हैं कब तक क्या कुछ यहाँ पे, एक दो वीक में गाइस पता चल जाएगा कि ऐसे परमिशन मिलेगी या नहीं, हमारा पबजी मोबाइल इंडिया आएगा क्या नहीं, एक दो वीक रुक जाओ थोड़ा बहुत मतलब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस यही बताना था आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलना। तो चले मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।